हेलो प्रिंस प्रिंस हेलो चलिए मैं दीप ज्वलित के साथ एक स्वागत है मैं पेश करना चाहूंगा हेलो अपने चरणों से कर दो सुगंधित दिल हमें अपने चरणों से कर दो सुगंधित दिल हमें आप आए यहाँ आपका सत्य नमन स्वागतम आपका स्वागतम आपका एक छोटा सा रचना सर एक छोटा सा करके अखिलेश सर सम्मानित करेंगे आशीष सर सम्मानित करेंगे संगठित मुखिया जी आशीष सर तालियों को थोड़ा जान लगे क्योंकि आप सब दिल्ली में ना थोड़ा जान लगे और इमरान जी रघुवेंद्र सिंह को सम्मानित करेंगे इमरान जी आकाश सर सम्मानित करेंगे आनंद सर को थोड़ा तालियों में पावर लाइए इतना पावर लाइए इतना जोर लाइए तो बाकी की आज तो कुछ अजीब हो ही रहा है हेलो चलिए इसी के साथ मैं इस मंच को उनके हवाले से संबोधित करता हूं जिनके लिए आप सब ने इतना विस्मृति इतना अपना बहुमूल्य समय को निकाल करके यहां दिया है और कुछ सीखने के लिए यह सुनो तो चलिए मैं इस मंच को आपके रथवर सर के हवाले करता हूं और मैं जब भी ऐसे मंच पर जाता हूं ऐसे सक्सेस से मिलता हूं नजरें छुपी तो नमन हो जाए मस्तक छुपी तो वंदन हो जाए ऐसा नजर कहां से लाऊंगा मेरे महाशय जी तो मैं आंख बंद करूं आपका दर्शन हो जाए तो आप सब चाहेंगे कुछ सीखना चाहेंगे पावर नहीं है जब तक से पावर नहीं आएगा जब तक से एक अलग सोच से नहीं करेगा कुछ नहीं कर पाएंगे सीखेंगे चलिए आइए लेकर चलते हैं तो यहां पर आप लोगों ने एग्जाम दिया है एग्जाम के माध्यम से सिलेक्टेड होकर आप लोग बैठे हुए और मैं अपना मैं आप लोगों के बीच
मैं प्रयास करूंगा कि और भी मौका मिले आने का। और शुरू करने से पहले मैं इतना बताऊंगा कि आज जो इंडियन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक्स है वो हाइपोथेटिक और प्रैक्टिकल। हम लोग जो स्टडी करते आ रहे हैं वो हाइपोथेटिकल रहा है शुरू से। जिन्होंने जितना रटा उतना तेज, जो कम रटा जो आज स्मार्ट लेबर करने की जरूरत है। स्मार्ट लेबर करने का मतलब है कि आप किसी चीज को रटे नहीं। इंटेलिजेंसी करने का ये मतलब नहीं है कि आपके पास ह्यूज नॉलेज है, ह्यूज नॉलेज रखने के बाद भी आप पास नहीं कर सकते। इंटेलिजेंसी का मतलब है इमेजिनेशन, आप किस तरह से इमेज करते हैं, किस तरह से आप क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, आपका स्ट्राइक रेट कितना ज्यादा है, ये छोटी छोटी बातें आपको पास करवाता है। और स्ट्राइक रेट तभी आएगा, सोचिए कि आप आज पढ़ते हैं 10 दिन 20 दिन, 1 माह 2 माह प्रैक्टिस उसको ना करें तो भूल जाते हैं। उसी स्थान पर अगर ये सोचे कि आप जो पढ़े और उसको भूले ही नहीं तो कितना अच्छा। ये सोचने में खराब लगता है कि हम जो पढ़े उसको ना भूले, ऐसा संभव नहीं है। आपका एबिलिटी था, सफल नहीं हो पाए, बिल्कुल आर्ट है,
नॉलेज नॉलेज ही सब कुछ नहीं है। नॉलेज से मानते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, बट सफलता नॉलेज से मिलता है। बहुत पढ़े पढ़े बहुत अच्छे लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं और उनसे कम नॉलेज रखने वाले कम और बहुत आगे चले जाते हैं। छोटी एक आर्ट है, कला है, वो उसी को अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया है कि इंडियन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में जो लैकिंग है ये सबसे बड़ा लैकिंग है। आदमी को मशीन बना के रख दिया है। जब बच्चे होते हैं आप तो अपने पेरेंट्स माता पिता के कहने पर उठो बैठो खाना खाओ ये सब होती है, जो आदेश देते हैं मानते हैं। उससे बड़े होते हैं, जब उससे बड़े होते हैं अपने टीचर के आदेश पे आप ये करो वो करो सब करते हैं, यानी कि मशीन के तरह। बाहर में ऐसा नहीं है, आप इंग्लैंड जाओ, मैक्सिको जाओ, यूरोप को जाओ, यूएसए जाओ, यूके जाओ, या फिर कोरियन कंट्री जाओ, अफ्रीकन कंट्री जाओ, वहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब यहाँ का यूथ आप जानते हैं कि जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, वर्ल्ड डेमोग्राफी का सबसे बड़ा यूथ इंडियन यूथ है, और बाहर के बाहर का यूथ जिस समय पक्षी बार क्लियर हो गया रहता है सोने पर नया काम करने के रास्ते पर, तब तक यहाँ का यूथ बस अपने सक्सेस का इंतजार में, यानी एक बार भी सफलता उसको कमजोर कर देता है। ये असफलताओं की सीढ़ी चढ़कर ही तो सफल होते हैं। बातें होती रहेगी, इस काम के लिए आए हैं, काम थोड़ा कर ले। आप लोगों ने टेस्ट दिया था और हमें आदेश मिला है कि उसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने की दिशा में जरा काम करें।